अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। HS व्लॉग में दोबारा से आपका खुशामदीद कहता हूँ एक नए व्लॉग के साथ। माजरत थोड़ा सा लेट हो गए नया व्लॉग बनाने में, असल में काफ़ी सारी मसरूफियात थी, वो मसरूफियात हल की हैं। तो अब हम लोग जी बेसिकली इस व्लॉग का मकसद है, हम लोग वलीद को थोड़ा सा सरप्राइज़ डिनर दे रहे हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है यहाँ से दूर हॉस्टल में रहने के लिए। तो वलीद हमारा एक दोस्त है जी, व्लॉग पार्टनर है, तो उसके लिए तो बनती है ट्रीट। तो अभी हम लोग आए हैं अपने दोस्तों के पास, अबू बकर और कसीम हमारा दोस्त है, उन्होंने नया बीफ एंड ब्रेड नाम का एक फास्ट फूड सेंटर खोला है, तो आपको वो दिखाते हैं और फिर वलीद को सरप्राइज देते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्त राजा मोहम्मद वलीद जावेद इकबाल। तो सबसे पहली बात यह है कि वलीद भाई आप जा रहे हो, थोड़ा सा देर से खफा भी हूँ, लेकिन क्या पढ़ाई भी तो आपने करनी है, वो आपने कुछ बनना है अपने माँ बाप के लिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर मैं आपसे इतने दिनों में अटैचमेंट नहीं थी कर पाई हूँ, इस वजह से नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा फिर जुन सा है ना, आपके बगैर दिन नहीं लगता, आप चले जाओगे तो फिर पीछे पीछे ना मैं थोड़ा अकेला महसूस करता हूँ। तो इस वजह से मैंने आपसे थोड़ी दूरी अख्तियार की है ताकि मैं अभी से आपके ना रहने के मतलब बराबर हो जाऊँ। आप मेरे साथ नहीं हो तो चलो मैं कह रहूँगा भी कोई नहीं, मेरे साथ और भी हैं सारे, अजीम भाई लोग हैं सारे हैं। तो बाकी यही है कि आप खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, और आज आपको अपने इस बीफ एंड ब्रेड की दावत पे इंशाल्लाह बुलाया है और आपको इंशाल्लाह आज फुल इन्जॉयमेंट करवाएंगे। आपको बीफ एंड ब्रेड का थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं, उनकी चीज़ों के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं और फिर चलते हैं वलीद को पिक करते हैं और वलीद को सरप्राइज देते हैं। निकले हैं और वलीद को अब हम लोग पिक करेंगे। वलीद के साथ एक दो दोस्त और भी होंगे, शायद उसके कजन्स हों, तो इसको फेयरवेल देते हैं वलीद को, उसके बाद इसको अलविदा करेंगे क्योंकि इसने पढ़ाई के लिए जाना है, तो पढ़ाई पे जाए और अपनी वालदा का सहारा बने, बस यही हमारी तो विशेज हैं इसके लिए। तो चलें जी अंदर चलते हैं बीफ एंड ब्रेड पे। ये आ गया जी बीफ एंड ब्रेड। Cuando yo te lo hacía, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías.
यहाँ पर जी अपना ही ब्लॉग चल रहा है। हम लोग जी यहाँ पर आ चुके हैं, अब सिर्फ वेट है वलीद साहब का। वलीद साहब आते हैं और इतनी देर तक आपको ऑनर हमारे कसीम भाई का इंटरव्यू करवाते हैं जी। तो हमारे कसीम भाई आ चुके हैं, अब कसीम भाई का इंटरव्यू करते हैं जी और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बीफ इन ब्रेड क्या सोच के बनाया था और क्या इनकी आगे से थॉट्स हैं इसके बारे में। जी कसीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। हमने बीफ इन ब्रेड की रिसेंटली शुरू किया है अक्टूबर में जी। बेसिकली हम इस्लामाबाद में जॉब करते थे और केटर्ड जो सदन शाह से थे, जब यहाँ पे आते थे और घर के लिए हमें फास्ट फूड चाहिए होता था तो उसके लिए हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती थी कि वो टेस्ट नहीं मिल रहा था, वो चीज़ नहीं मिल रही थी। बिल्कुल ऐसा। उसके लिए फिर हमने अपना एक काम यहाँ पे शुरू किया बीफ इन ब्रेड के नाम से। ये हमारा छः माह की स्ट्रगल थी, एक थॉट था जो हमने उसको अगली शक्ल दी है। यहाँ पर आप यहाँ पर विजिट करें, आपको इंतहाई मुनासिब रेट मिलेंगे, जो आपको मार्केट से अच्छे रेट मिलेंगे और आपको एक प्रीमियम लेवल की चीज़ मिलेगी, टेस्ट मिलेगा आपको एक ऐसा जो आपको शायद इस्लामाबाद में भी बहुत मुश्किल से मिले। बिल्कुल, आपको हाई क्लास में जाना पड़ेगा ऐसे टेस्ट के लिए। ये तो मैं भी इसका जी वो गवाह हूँ कि टेस्ट बिल्कुल इस्लामाबाद लेवल का ही है जी। तो अल्लाह ताला बरकत डाले जी कसीम भाई आपके कारोबार में। और कसीम भाई मेरे दोस्त भी हैं जी, क्लास फेलो भी रहे हैं कसीम भाई के साथ। अबू बकर भाई भी हैं, वो थोड़े से शाये हैं लेकिन वो अंदर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डालेगा जी। ले जी हमारे वलीद साहब आ गए। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, बड़े पप्पू लग के आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, आपको हम जानते हैं। अच्छा ये कौन है? ये राजा बिलाल है जनाब। अच्छा ये बिलाल मुबशर साहब हैं, ये इनकी गाड़ी है भाई जान। ये देखे ना जनाब, थोड़ा खर्चा। अच्छा ये नई जीटी की ग्रिल लगवाई है जनाब, वो प्लेट नंबर नहीं बनवाई है, ऊपर बोनेट पे स्पोर्ट्स लिखवाया है, बड़ा खर्चा। किधर गए हैं सरकार? ये खर्चे करवाए हैं सर। ये भी एक और बात है, ये भी आपकी तरह ब्लॉगर है। अच्छा बताने के लिए अपना वो बताए ना, अपना ब्लॉग का नाम बता दीजिए। ब्लॉग का नाम है बिलाल मुबशर। खाना सारों ने खा लिए। वलीद भाई बर्तन धोने के लिए तैयार हो? ओके उतारो यार, आज सलमान खान बन जा। जी तो बीफ इन ब्रेड के साथ इजाजत दे हमें और वलीद भाई को दुआओं में याद रखें जी। वलीद भाई अल्लाह ताला आपको फ्यूचर अच्छा करे, सिक्योर करे। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी वलीद साहब से। अरे कहना क्या चाहते हो?